कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले खिलाड़ी लाल बैरवा ने वहां से भी इस्तीफा दे दिया है। अब अटकलें इस बात की है कि खिलाड़ी लाल बैरवा की कांग्रेस में वापसी होगी या नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि खिलाड़ी लाल बैरवा पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सचिन पायलट के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। इधर सचिन पायलट ने खिलाड़ी लाल बैरवा की वापसी पर कहा कि वो अकेले नहीं है, कई लोग हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में गए थे पर वहां एडजस्ट नहीं हो पाए, अब वापस कांग्रेस में लौटना चाह रहे हैं। सचिन पायलट ने खिलाड़ी लाल बैरवा की कांग्रेस में वापसी पर कहा कि इन सब के लिए कांग्रेस में कमेटी बनी हुई है, ये तय करना उनका काम है, जो भी निर्णय लिया जाना है वो पार्टी स्तर पर होगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खिलाड़ी लाल बैरवा की कांग्रेस में वापसी पर कहा कि कांग्रेस इतनी सस्ती पार्टी नहीं है जो जब चाहे चले जाए और जब चाहे वापस आ जाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा, हम लेंगे तब तो वो आएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में 33 साल रहे और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में अनुसूचित आयोग अध्यक्ष रहे खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफे के बाद राजस्थान तक से खास बातचीत में पूर्व सीएम गहलोत पर खूब तंज कसा। बैरवा ने कहा कि वो चौथी बार तैयारी में थे, हालांकि उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। वही बैरवा ने सचिन पायलट के लिए तारीफ के पुल बांध दिए। खिलाड़ी लाल बैरवा ने आगे कहा कि सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, आप तो सभी को निपटाना चाहते हैं और पायलट को भी कांग्रेस से बाहर करना चाहते हैं। बैरवा ने त्याग पत्र में लिखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से बाहर करने का असफल प्रयास किया। पायलट गुट के लोगों के फोन टैप कराए, जिसका खुलासा लोकेश शर्मा विस्तार से कर चुके हैं। मेरा भी फोन टैप करवाया गया, जो कि जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।